दोस्तों देख सकते हैं ये ब्लैंक डिस्प्ले है और प्रॉब्लम इसमें जो है वो आप सभी को मैं बता दिया। मॉडल नंबर देखिए ये वाला है। आज मैं इस फॉल्ट को निकालूंगा, आप सभी को बताऊंगा इस फॉल्ट को हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। चालू करने के बाद देख सकते हैं कि ये ब्लैंक डिस्प्ले है। देखो यहाँ पे लाइट जल रही है, देखिए लाइट जल रही है देखिए, लेकिन पिक्चर नहीं आ रहा है। तो आज मैं इसको दिखाऊंगा, तो खोल लेते हैं दोस्तों। इसको देखिए ये टिकोन वाला है। इस पैनल को हम एक बार रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। इसमें दो स्ट्रिप लगा हुआ है, देख सकते हैं, एक राइट एक लेफ्ट का। तो सबसे पहले हमें ये राइट वाला या लेफ्ट या राइट कोई भी आप खोल के देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले राइट का खोल के देख लूँगा और मैं चालू करूँगा इसको। चालू करने के बाद आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि स्क्रीन पे कुछ आता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने खोल दिया, हाफ पैनासोनिक लिख कर आ गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों राइट साइड में प्रॉब्लम है। अब इसको क्या करना पड़ेगा वही मैं आप सभी को बताऊंगा। इसी के भी ब्लॉक करना है, आपको टेप ले लेना है ऐसे। तो मैं कटिंग करके फिर चालू करके आप सभी को दिखाता हूँ। तो मैंने लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने किस साइड ब्लॉक करना है वो चीज़ का ध्यान देना है। लेफ़्ट साइड नहीं ब्लॉक करना, अगर हम राइट का पट्टी है तो हमें राइट साइड में ये ब्लॉक करना। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लॉक किया हुआ है। क्या होता ना, कभी कभी लोग ज़्यादा ही ब्लॉक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम ब्लॉक ज़्यादा कर देते हैं ना, तो पिक्चर हमारा फटने लगता है। तो हमें क्या करना, कितनी लाइन छोड़ना है मैं आप सभी को दिखा दूँगा। कम से कम आपको 5 लाइन 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन या 4 लाइन ही छोड़ना है। यानी जो ट्रैक है इसका ये चालू करना है। अब इसके बाद फिर देखते हैं। अब मैं इसको लगा लेता हूँ, इसके बाद चालू करके आप सभी को दिखाता हूँ कि लगाने के बाद पिक्चर क्लियर आया है कि नहीं आया। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। चालू तो किया है मैंने, आ गया है, देख सकते हैं फुल आ गया है पैनासोनिक लिख कर। इसका मतलब ब्लॉक करने के बाद यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और अभी देखते हैं पिक्चर स्क्रीन, पिक्सल फट तो नहीं रहा इसका, वो मुझे देखना है। तो ऐसे नॉर्मली तो अच्छा दिख रहा है। जो मैंने बताया ब्लॉक जो करते हैं ना, कभी कभी लोग 8-8 पिन कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। ज़्यादातर वही कभी कभी मिस कर जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, परेशानी बढ़ती है, पिक्चर फटने लगता है और कस्टमर बोलता है पिक्चर तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपको 3 से 4 पिन ही ब्लॉक करना है, वो करके देखेंगे तो आपका पिक्चर एकदम क्लियर आएगा। अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ, चालू होने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि पिक्सल फट रहा है कि नहीं। अभी तो फ़िलहाल क्लियरिटी अच्छी है। मैंने इसके पहले भी पैनासोनिक किया था, उसमें ज़्यादा ब्लॉक करने के बाद प्रॉब्लम आया था। तो मैंने इसके लिए पहले ही इसको पतला करके ही टेप लगाया हुआ है, आप भी लगा सकते हैं उसी तरीके से। देखिए यहाँ पे पिक्चर एकदम क्लियर है, देख सकते हैं कहीं से लग नहीं रहा है कि रिपेयर डिस्प्ले है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना, शेयर नहीं करना है तो कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक भी कर देना। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो जो नए नए तरीके का फॉल्ट में निकालते रहता हूँ, डालते रहता हूँ। फिर से आप एक बार मॉडल नंबर देख लो। आप इस मॉडल के अलावा भी इस तरीके का जो भी टिकोन लगा होगा उस तरीके से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों। ज़्यादा से आप रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय।